नमस्कार दोस्तों, फार्माजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि आपका 31 जनवरी एग्जाम होने वाला है सीटेट का जनवरी में। उसकी दृष्टि से तो बहुत ही मजेदार प्रश्न यहाँ पे सीडीपी के होने वाले हैं। तो आज के प्रश्न जो रखे गए हैं यहाँ पे, लगभग 20 प्रश्न रखे गए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और आप लोगों की तैयारी की दृष्टि से तो बहुत कम ही है, लेकिन बता दें कि हर एक प्रश्न बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। तो आज ये सभी लोग आ जाइए और सभी लोग अपना टारगेट याद रखिएगा, 20 प्रश्न यहाँ पे हैं जिसमें से आप लोगों को 15 प्लस करना है। तो आज ये सभी लोग जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, फार्माजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। शेयर करना ना भूलें, जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर काउंट करते चलेगा। आज चैलेंजिंग प्रश्न भी रहेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को यहाँ से लगभग 2 से 3 नंबर दे के जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र नहीं है, क्या नहीं है? पहला करा है सरल से कठिन की ओर, दूसरा करा है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर, और तीसरा करा है कि दृश्य से अदृश्य की ओर, और चौथा करा है कि निगमन से आगमन की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा हमारा। जी यहाँ पे देखिए, सरल से कठिन यानी पहले प्राथमिक स्तर पे जब बालकों को आप शुरू करते हैं पढ़ाने का क्रम, तो वो क्या होता है, सरल से कठिन, जो बालक जान रहा है उसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ना। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि अनिश्चित से निश्चित, ये भी शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है कि बालक, देखिए जब आप सरल से कठिन समझा देंगे, फिर इसके बाद जो अमूर्त वस्तुएं हैं उस पर चिंतन करने के लिए कहेंगे, फिर बाद में उसे दिखाएंगे बालकों के समक्ष, तो ये भी आपका शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। दृश्य से अदृश्य, मतलब बालक पहले उस दृश्य को देखेगा, फिर इसके बाद उस पर चिंतन करेगा, फिर बाद में क्या करेंगे, उसे न दिखाकर वस्तु पे विचार करने के लिए कहेंगे, जैसे कहानी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ही शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन हमारा शिक्षण सूत्र क्या नहीं है, निगमन से आगमन हमारा ये सूत्र नहीं है। इसका होना चाहिए क्या, आगमन से निगमन होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, शिक्षण सूत्र नहीं है, तो हमारा निगमन से आगमन शिक्षण सूत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटी जो शिक्षण शुरू करने का जो क्रम है उसका पहला पद क्या है। पहला कह रहा है प्रतिपुष्टि, दूसरा कह रहा है शिक्षण, तीसरा कह रहा है योजना बनाना, चौथा कह रहा है प्रस्तावना। तो आप लोगों को पता है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, करने से पहले क्या करते हैं, पहले आप उसका ढांचा यानी योजना बनाते हैं। ठीक है, योजना बनाते हैं, फिर इसके बाद उस पर कार्य करते हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, और लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जबकि इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, किसी भी कार्य को करने से पहले आप उस पर सोचते हैं यानी योजना बनाते हैं कि हमारा कार्य ऐसे होगा। जैसे क्या होता है कि स्ट्रक्चर यानी अपना घर बना रहे हैं तो आप पहले सोच लेंगे कि इतना एरिया है तो हमें इतना बनाना है। ठीक है, इतना ही कार्य करना है, तो उससे आगे बढ़ेंगे आप, तो योजना बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्रस्तावना पेश करेंगे, फिर जो आपकी क्रम है उसे बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे योजना तैयार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, और 20 प्रश्न है, सभी लोगों को एकदम अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है। यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध की बात क्या है, याद रखिएगा 2019 के प्रश्न और 18 के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है अवबोध। ठीक है, अवबोध के यहाँ पे शिक्षण में शामिल है। पहला कह रहा है पृथक्करण मतलब बांटना, दूसरा कह रहा है कि अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जो प्रयोग में नहीं है उसका प्रयोग करना। ठीक है, तुलना यानी बराबर करना यानी दो वस्तुओं में क्या करना, तुलना करना। और अन्वेषण मतलब क्या है, अन्वेषण में होता है खोज, याद रखिएगा क्या होता है, खोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का। जी इसका राइट आंसर ही जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा तीसरे का, याद रखिएगा अन्वेषण ह्यूरिस्टिक, ये जाएगा खोज। ठीक है, यही सृजनात्मकता जहाँ पर भी हो अन्वेषण, देखिए कहीं कहीं आप लोगों को अन्वेषण मिलेगा, कहीं कहीं ह्यूरिस्टिक मिलेगा, कहीं कहीं खोज मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं सृजनात्मकता मिलेगी, तो इन सभी को आप पहले सही करिए। ठीक है, सबसे पहले तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा अन्वेषण के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा हमारा क्या कर रहा है। थोड़ा सा ये टिपिकल प्रश्न है, बड़ा भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तथा संभव होगा। पहला यहाँ पे कह रहा है कि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े तब हो सकता है। दूसरा करा स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। यहाँ पे तीसरा करा कि अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें कहा है कि सही शब्द चुनिए। तो पहला करा है कि ए और सी सही है, दूसरा करा है कि ए और बी सही है, तीसरा करा है कि बी और सी सही है, और चौथा करा है कि ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहा है कि प्रभावी विकेंद्रीकरण,
ठीक है, इसमें प्रभावी विकेंद्रीकरण यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे देखिए पहला करा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रीय भागीदारी बढ़े, यह भी हमारा सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति हो यानी उसके स्थानीय अनुप्रवेश से जुड़ी हो, यह भी सही है। और अध्यापकों के पास संसाधन प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो यानी शिक्षण लर्निंग मटेरियल, तो ये तीनों ही सही अगर हैं तो हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे प्रश्न आप लोगों को दो मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सही करने चुनने वाले। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न ये कराए कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र की अनुक्रिया प्रकट करता है। तो पहला कराए दृष्टि संवेदना, पहला करा यहाँ पे कि दृष्टि संवेदना, दूसरा करा कि स्पर्श संवेदना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि ध्वनि स्पर्श यहाँ पे संवेदना, चौथा करा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण संवेदना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा था, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। याद रखिएगा क्या, नाम लेकर बुलाया, तो नाम जब लेगा तो आवाज़ करेगा, ठीक है, आवाज़ के द्वारा ध्वनि के माध्यम से निकालेगा। तो अब देख लीजिए इसमें ध्वनि कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या जाएगा पांचवें का, जी यहाँ पे देखिए तीसरे में है ध्वनि, ठीक है। यहाँ पे दृष्टि यानी देख कर बुला सकता है इशारों से, स्पर्श यानी छू कर बुला सकता है, यहाँ पे प्रत्यक्ष मतलब देख कर छू कर उसे कहकर बुला सकता है, लेकिन यहाँ पे नाम लेकर बुला रहा है तो ध्वनि के माध्यम से बुलाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा, यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। पहला करा कि 4 से 8, दूसरा करा है यहाँ पे कि जन्म से 2 वर्ष, तीसरा करा है यहाँ पे 2 से 7 वर्ष, चौथा करा है कि 5 से 8 वर्ष 8 साल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, यहाँ पे छठे का राइट आंसर क्या जाएगा, जी यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे करा है प्रासंक्रियात्मक अवस्था, मतलब क्या है कि देखिए पहला अवस्था जो होती है यहाँ पे 0 से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष होती है यहाँ पे संवेदी पेशी का अवस्था, ठीक है, यानी छू कर अपने इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। 2 से 7 वर्ष क्या होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से 7 वर्ष होती है, यहाँ पे 2 से 7 होती है, 7 से 11 जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से जो ऊपर यानी 12 कहीं कहीं मिला होगा तो 12 से या फिर 11 से ऊपर जो होता है आपका क्या होता है, अगर 11 नहीं ऑप्शन में होगा तो 12 जरूर होगा, ठीक है, तो उससे ऊपर जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि प्रासंगिक, यहाँ पे कराया प्रासंक्रियात्मक अवस्था मतलब जिसमें बालक देख सकता है, ठीक है, हरकत कर सकता है, तो ये तो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। देखिए कहीं कहीं प्रश्न में आता है इससे इंपोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट टैग लगा लीजिए, इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखिए सातवां प्रश्न ये करा है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, यानी किसके बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है किसके बाद। तो पहला करा है यहाँ पे देखिए हमारा पहला बहुत ही अच्छा है, करा है कि भविष्य की योजना का की सूझबूझ, दूसरा करा है कि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा करा है कि बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, चौथा करा है काल्पनिक भयों का अंत। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा, जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा सातवें का, जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर जो सातवें का जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा, एकदम पहला हमारा राइट आंसर होगा, भविष्य की योजना का सूझबूझ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। आठवां प्रश्न ये करा है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध नहीं है, यानी भाषा विकास से कौन से मनोवैज्ञानिक का यहाँ पे संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है पावलोव, दूसरा बीने, तीसरा करा है कि चोमस्की, चौथा करा है कि मास्लो। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का क्या जाएगा, जी जल्दी से बताइए, भाषा संबंध यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भाषा से संबंध है किस मनोवैज्ञानिक का। तो राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे भाषा विकास से जो संबंध जाएगा नाम चोमस्की महोदय के साथ जाएगा, इन्होंने बालक के भाषा अर्जन की क्रियाओं का विश्लेषण किया था, ठीक है, इन्होंने बताया था कि बालक में भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, बस बाहरी शक्तियों की यानी बाहरी वातावरण में मिलने के बाद उसे प्रस्तुत रूप से मूर्त रूप दे दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे, देखते हैं नौवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए नौवां प्रश्न ये करा है, थंडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। पहला करा है संज्ञानात्मक, दूसरा करा है कि अधिगम, तीसरा करा है कि संकेत, चौथा करा है कि स्थान। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, थंडाइक की बात किया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे नौवें का क्या जाएगा, जी यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा शीर्षक सिद्ध किया है, तो ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये सभी मॉडल पेपर चल रहे हैं। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल के, क्योंकि बालक जब प्रयास करेगा फिर इसके बाद भूल जाएगा, प्रयास करेगा भूल जाएगा, लेकिन प्रयास करते करते क्या होगा, वो एक ऐसे सही क्रम में पहुंच जाएगा जहां पर उसका आंसर एकदम राइट होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। लाइक तो करते चलिए सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग लाइक करते चलिए।
यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है दसवां, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग का विलंब, यहाँ पे विलंब विकास में संबंधित है, विलंब मीन्स लेट यानी कम होता है विकास, तो यहाँ पे किसमें होगा था राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 16 से 19 वर्ष के नैतिकता पे, तीसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष, चौथा तीसरा कह रहा है कि 8 से 10 वर्ष की समाजीकरण पे, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 16 से 19 वर्ष सृजनात्मकता। देखिए सृजनात्मकता में भी होगा, सामाजिक में भी होगा, भाषा में भी होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे विलंब पूछा है तो किसमें नहीं होगा, नैतिकता एक उलझन में फंस जाता है तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाता है विकास, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा दसवीं का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फास्ट कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है, क्लास भी हमारी फास्ट ही चलती है, सबसे ज़्यादा फास्ट क्लास चलती है कि जल्दी से प्रश्न अधिक भी होते हैं लेकिन आपकी क्लास बहुत ही जल्दी से अच्छे से समझा कर अच्छे से खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि उसी में बचे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो इससे भी सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए 11 का हमारा ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए अगर तृतीय अवस्था की बात किया है तो 0 से 2 हो गया जो संवेदी हो गया, 2 से 7 हो गया, क्या 2 से 7 हो गया हमारा यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 7 से 11 हो गया जो हमारा यहाँ पे मूर्त हो गया, ठीक है, और 11 से जो ऊपर जाएगा हमारा यहाँ पे औपचारिक जाएगा। तो अब देखिए इसमें से कौन जाएगा, एक बार क्रम यहाँ पे निर्धारित कर दे रहे हैं इनके सामने, ठीक है, संवेदी 0 से 2 जाएगा, ठीक है, पूर्व जाएगा आपका यहाँ पे हमारा 2 से 7 वर्ष जाएगा, मूर्त जाएगा आपका 7 से 11 जाएगा, और जो यहाँ पे औपचारिक जाएगा 11 से या फिर 12 से ऊपर कहीं कहीं रहता, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताएं, तीसरी अवस्था में क्या आएगा हमारा, जी 11 का राइट आंसर यहाँ पे तीसरे क्या जाएगा, देखिए मूर्त की बात किया है, ठीक है, तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था क्या जाएगी आपकी मूर्त से यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तीसरे पे हमारा राइट आंसर जाएगा, तृतीय का तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या कह रहा है, देखिए 12 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम की इच्छा, दूसरा प्रेरणा, तीसरा रुचि, चौथा कह रहा है विषय वस्तु का स्वरूप, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे कहा है कि शामिल नहीं है, किसमें शामिल नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारकों में, तो कारकों में देखिए अधिगम की होगा, सीखना भी होगा, प्रेरणा भी होगा, रुचि भी होगा, ये सभी क्या है अधिगम से संबंधित है, लेकिन विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम से है, किसे है, पाठ्यक्रम से, ठीक है, पाठ्यक्रम से शामिल है, तो यही हमारा नहीं होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा चौथा। जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का क्या कह रहा है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, सामाजिक मूल्य क्या है, पहला कह रहा है कि सहायक परक व्यवहार, दूसरा कह रहा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति, चौथा कह रहा है कि आक्रामकता की आवश्यकता, तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा, जी देखिए जब आप समाज में रहेंगे तो सामाजिक आक्रामकता यानी किसी से आप गुस्सा भी हो जाएंगे, सही भी रहेंगे, मूल प्रवृत्तियाँ आपकी जो भूख है, प्यास है, ये सब मूल प्रवृत्तियां के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, क्रोध, और यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य यानी आपको समाज में किस प्रकार से रहना, लेकिन सहायक परक यहाँ पे व्यवहार आप नहीं कर पाते, मूल्य कौन सा है, सामाजिक मूल्य ये सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा सहायक परक यानी समाज में रहेंगे एक दूसरे की सहायता करते चलेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा 13 का पहले ही जाएगा सहायक परक व्यवहार, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14 का हमारे यहाँ पे क्या करा है, देखिए 14 का ये करा है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि स्वतः शोध, दूसरा करा एल्गोरिदम, तीसरा करा है कि मानसिक वृत्ति, चौथा करा है कि कार्यात्मक स्थिरता, तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा, अन्वेषण की बात किया है खोज की तो स्वतः ही शोध पे जाएगा, यहाँ पे शोध पे जाएगा, अगर अन्वेषण की बात किया है तो अन्वेषण जब करेंगे तो खोज पे जाएंगे, अब देख लीजिए इसमें खोज किसमें है, तो खोज जो जाएगा यहाँ पे देखिए शोध कर रहा है बालक, शोध कर रहा है तो आपका खोज से ही चला जाएगा, तो यहाँ पे स्वतः ही शोध से चला जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, एकदम लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर भी करते चलिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, यह किससे किसने कहा है, तो पहला करा है स्किनर, दूसरा करा है किथास, तीसरा एविंग हास, और चौथा करा है कि बिग्गी ने, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जी कमेंट करते चलिए सभी लोग, कमेंट करते चलिए, ठीक है, कमेंट सभी लोग फास्ट करिए, कैसा करिए फास्ट करिए, इसका आंसर देखिए कितने लोग देते हैं, इसका जल्दी से इसका कमेंट करिए, तीसरे का सॉरी 15वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे एविंग हास के साथ जाएगा, राइट आंसर तीसरा होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, देखते हैं 16 का क्या करा है, 16 का ये करा है कि निम्न में से कौन सा थंडाई के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, क्या नहीं है, साहचर्य, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, ये देखिए तीनों हैं, ये तीनों ही प्राथमिक में है, लेकिन कहा है प्राथमिक शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, तो यहाँ पे देखिए साहचर्य, ये देखिए ये आपके मुख्य हो जाएंगे,
मुख्य हो जाएंगे और ये चला जाएगा गौड़ में, ठीक है, गौड़ में चला जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, अभ्यास, तत्परता, प्रयास, ठीक है, ये सभी आपका किस में चला जाएगा, आपका मुख्य में चला जाएगा, साहचर्य जो होगा मुख्य यहाँ पे गौड़ में चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे, देखते हैं 17वां हमारे यहाँ पे क्या करा, 17 का ये करा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, यानी किस पे बल देता है अनुकूलित अनुक्रिया। तो पहला करा है तर्क पे, दूसरा व्यवहार पे, तीसरा चिंतन पे, चौथा करा है कि अभिप्रेरणा पे। तो 17 का राइट आंसर क्या जाएगा, कभी भी आप जब अनुकूलित करेंगे, अनुकूलित में से होता है बदलाव, क्या होता है सीधे सीधे आप जान लीजिए, अनुकूलित में से क्या होता है बदलाव, बदलाव होता है, ठीक है। अब बदलाव होता है तो किस में होता है, बालक के व्यवहारों में होता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए व्यवहार कहाँ है इसमें, देखिए तर्क में है क्या, जी नहीं, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे में जाएगा अनुकूलित, मतलब आप समय के साथ बदल जाना, ठीक है, सीधे सीधे आप डाल लीजिए बदलना, ठीक है। अनुकूलन में भी बदलना होता है, अनुकूलित में से उसके द्वारा, तो उसके द्वारा किस में बदलते हैं आप, तो यहाँ पे व्यवहार में ही तो परिवर्तन होता है, आप जब सीखते हैं तो आपके व्यवहार में ही, यहाँ पे गुणों में ही तो परिवर्तन होता है, ठीक है, बाहरी जो शारीरिक गतिविधियां उसमें तो थोड़े नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा व्यवहार के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देखिए 18 का भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है, कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, समीपस्थ है, नैमित्तिक है, या फिर प्राचीन है, या फिर चिन्ह है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, क्रिया प्रसूत यानी करके सीखना, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा, नैमित्तिक, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा दूसरा, हमारा राइट आंसर एकदम करेक्ट राइट आंसर जाएगा दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे, देखते हैं 19वां हमारा क्या कर रहा है, और सभी लोग इसका आंसर बहुत ही जल्दी से देंगे। यहाँ पे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक विशेषण है, अधिगम यानी सीखने, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, यानी उसके कुछ शब्दों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए उसका अर्थ क्या है, फिर इसके बाद आप खुद ही स्वतः ही उसको सॉल्व कर देंगे। तो अधिगम में होता है सीखना, सीखना होता है अधिगम इस, ठीक है। तो अब देखिए सीखना किससे संबंधित नहीं है, पहला कराए कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, इसमें आप सीखना नहीं हो सकता है। दूसरा करा अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, क्या इसमें नहीं हो सकता है यहाँ पे। तीसरा करा अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, इसमें नहीं हो सकता है। चौथा करा अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, तो या फिर इसमें नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, पहले में जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, या फिर चौथे में। देखिए इसका 19 का जो राइट आंसर जाएगा अवलोकन प्रत्यक्ष, देखिए इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अधिगम एक विशेषता नहीं है, किसका नहीं है, अवलोकन, जब आप अवलोकन करेंगे तो सिर्फ आप देखेंगे, लेकिन अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है, अभिवृत्ति होता है, क्या नहीं यहाँ पे पूछा है। तो राइट आंसर जाएगा पहले से जाएगा 19 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे 20वें का क्या करा है, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया और कल के उत्तर आप लोगों के यहाँ पे रखे गए हैं आज, ठीक है, जितने लोगों ने दिया था उतने ही लोगों को रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला का 20वें का यह करा है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। पहला करा है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, दूसरा करा है स्वायत्तता या क्रिया है, तीसरा कराए कि संज्ञानात्मक संक्राय है, और चौथा कराए कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए 20वें का, जी 20वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसके बाद आप लोग अपना आंसर भी देख लीजिएगा कि कितने लोगों का कल का सही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा होगा एक ऐसी स्थिति, दूसरा स्वायत्तता, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा कराए किए, और इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, सही सही एकदम उत्तर देंगे कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, कमेंट में देंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग देंगे। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार तो लाइक कर दीजिए इसी पे, और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या करिए शेयर भी कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर कर दीजिए, और इस बार तो सीटेट आप लोगों को कम से कम 120 प्लस करना ही है। तो चलिए बता दें कल के उत्तर कितने लोगों के सही हुए थे, देखिए इनका, देखिए विनीता जी का आया है यहाँ पे, यहाँ पे विनीता जी का आया, यहाँ पे 20वें का पहला आया जो कि राइट आंसर था। मीरा यादव जी का भी 20वें का पहले कल का आया था, उनका भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि समझने, बालक घर से जब निकलते हैं तो उस किस में उनकी गहन क्षमता होती है, समझने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तो जो होते हैं समझने में होते हैं, क्या होते हैं समझने में। तो इनका देखिए राइट आंसर आया है विनीता जी का, और मीरा यादव जी का भी देखिए पहला आया जो कि समझने में एकदम राइट आंसर, राधा साहू जी का भी यहाँ पे 20वें का पहला आया जो कि राइट आंसर है, मीता जी का भी देखिए इनका भी आ गया है 20वें का पहला। अब बात करते हैं विनीता जी के समझने में, देखिए एकदम इन्होंने लिख भी दिया है जो कि राइट आंसर है। विनीता जी का भी 14 का नहीं, यहाँ पे 20वें का पूछा गया था, राधा जी का भी 20वें का पहला है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्रभा ओझा जी का, देखिए प्रभा जी का भी यहाँ पे गुड नाइट, गुड नाइट बोली है, और मीरा जी का 20वें का देखिए पहला इनका भी आया, एकदम राइट आंसर है इनका भी। और आगे बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आज का दीजिएगा, ठीक है। विनीता जी का भी देखिए 15 का दूसरा आया है,
दूसरा आया है यहाँ पे इनका, लेकिन यहाँ पे 20वें का पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए बीता जी ने कहा कि आप रोज़ बोलते हैं कि नाम लिया, देखिए आज नाम ले लिया गया है, ठीक है। अब अपना जितने लोगों का उत्तर आएगा उतने लोगों का नाम रेगुलर आएगा और उनके उत्तर भी बता दिए जाएंगे। नाइस क्लास, थैंक यू आपको एस के सिंगल जी को, और पिंकी जी का अमेजिंग क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे कमलेश जी का भी आया है यहाँ पे 20वें का पहला, जो कि यहाँ पे समझने में एकदम राइट आंसर है, ठीक है। समझने में बालक क्या होते हैं, सहज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 का ए राइट सर, थैंक यू आपको कि आपने उत्तर बहुत अच्छी तरीके से दिया। और पिंकी जी का भी 20वें का पहला आया है, इनका भी देखिए यहाँ पे 20वें का पहला आया समझने में होते हैं। पूजा जी का भी आ गया है समझने में, ठीक है। क्या है, समझने में, जितने लोगों ने बताया एकदम राइट आंसर उनका नाम लिया गया है। और राधा जी का भी 20वें का पहला, राधा जी का सुपर क्लास सर, चाइल्ड डेवलपमेंट की पेपर सॉल्व करा दी, देखिए आज चला है CDP के, और चाहे यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार प्रश्न चले हैं कमलेश जी। और यहाँ पे देखिए 20वें का पहला है, सरिता जी का 20वें का पहला आया, और मनीषा मनीषा जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया, इनका भी तो देखिए यहाँ पे उत्तर नहीं दिए हैं, पहले नाइस क्लास करिए यहाँ पे, पहले देखिए क्या करिए उत्तर दीजिए, ठीक है। महेंद्र यादव जी का देखिए ये आया है, जो कि राइट आंसर समझने में होते हैं, ठीक है। तो बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं आज की क्लास के, जितने लोगों ने उत्तर दिया था कल का कमेंट बॉक्स में उन सभी लोगों का दिया गया था। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका उत्तर तो बता दीजिएगा कि कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि क्या सीखना है, एक ऐसी स्थिति स्वायत्ता संगठनात्मक परिस्थिति। तो 20वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की क्लास एक बार कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव और आज के उत्तर का जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।